फिरोजाबाद में बेटियों के हित में कार्य कर रही सरकार। प्रांशु दत्त द्विवेदी स्मार्टफोन वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु दत्त द्विवेदी। कार्यक्रम में हुआ प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार स्वागत। शिक्षण कक्ष और रोड का किया लोकार्पण। महाविद्यालय में छात्रों को किए स्मार्टफोन और टैबलेट्स वितरित। 499 छात्रों को स्मार्टफोन और 64 छात्रों को टैबलेट वितरित किए। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा सरकार का प्रथम कर्तव्य। प्रांशु दत्त मामला रामकृष्ण महाविद्यालय रानूखेड़ा का। देखिए, सरकार की तरफ से जो अपने प्रतिभाशाली नौजवान हैं, बेटियां हैं, उनको ये स्मार्टफोन वितरण कार्यक्रम था। उसके अलावा मेरी भी विकास निधि से यहाँ पर सीसी सड़क का निर्माण, एक दूसरे विद्यालय में कक्षों का निर्माण, इन सब का लोकार्पण आज किया है। और जो प्रधानमंत्री जी हों चाहे मुख्यमंत्री जी, जिस प्रकार की चिंता, जिस प्रकार की सेवा में रात दिन लगे हुए हैं इस देश की, तो अभी 3 राज्यों का नतीजा आया ही है और आने वाले समय में पूरा देश उनके नेतृत्व में अपने आप को भविष्य की दृष्टि से सुरक्षित महसूस कर रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।